इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेल में वेगन में उपयोग होने वाले SAB के बारे में कि SAB क्या है, SAB कितने प्रकार के होते हैं, SAB का उपयोग क्या है, SAB का फुल फॉर्म क्या है, इन सब चीज़ के बारे में, SAB का उपयोग वेगन के अलावा क्या कोच में भी होता है, इन सब चीज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। भारतीय रेल में वेगन या मालगाड़ी के व्हील और ब्रेक ब्लॉक का जो एडजस्टमेंट है, ब्रेक ब्लॉक के घिसने के कारण उसे बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सब चीज़ को देखते हुए SAB का निर्माण किया गया है। तो आइए समझते हैं कि SAB है क्या। SAB एक ऐसा डिवाइस है जो व्हील और ब्रेक ब्लॉक दोनों के बीच के गैप को एडजस्ट करके रखता है, एक निश्चित सीमा में उस गैप को कवर करके रखता है। एक बार SAB लगाने के बाद ब्रेक ब्लॉक बार बार घिसने पर भी उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यह सभी काम SAB ही कर लेता है। SAB का फुल फॉर्म है स्लैक एडजस्टर बैरल। SAB दो प्रकार के होते हैं, एक का उपयोग कोचिंग में होता है और दूसरे का उपयोग वैगन्स में उपयोग होता है। कोच में उपयोग होने वाला SAB है वह है DRV 450, जबकि वेगन या मालगाड़ी में उपयोग होने वाला SAB है वह है DRV 600। DRV का फुल फॉर्म है कि डबल रैपिड वाल्व। इसे डबल रैपिड वाल्व या DRV इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी ब्रेक एप्लीकेशन होता है या फिर जब भी ब्रेक रिलीज होता है तो ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच के डिस्टेंस को बार बार एडजस्ट करने के काम करता है, वह है SAB। सबसे पहले जान लेते हैं SAB के पार्ट्स के बारे में। तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आइए समझते हैं। इसमें होता है SAB बैरल, प्रोटेक्शन ट्यूब, कंट्रोल रॉड हेड, प्रोटेक्शन ट्यूब और स्पिंडल रॉड या फिर स्क्रू रॉड जिस पर थ्रेड्स कटी होती हैं। वर्तमान समय में कोचिंग से SAB को हटा दिया गया है और उसकी जगह BMBC सिस्टम को यूज किया जा रहा है। BMBC का फुल फॉर्म है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, जिसमें बोगी में ही ब्रेक सिलेंडर को लगा दिया जाता है। पहले ICF कोच में SAB का उपयोग किया जाता था लेकिन अब उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ICF कोच में जो BMBC में ब्रेक सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं उसका डाया होता है 8 इंच या फिर MM में कहें तो 203 mm होता है। यदि बात करें हम SAB की कार्य की तो SAB का काम है कि व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच का जो गैप है उसे एडजस्ट करना। आगे हम जानेंगे SAB की डायमेंशन की कि SAB में कितने डायमेंशन होते हैं और SAB में डायमेंशन कहाँ कहाँ होता है, डायमेंशन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। SAB में दो प्रकार के डायमेंशन होते हैं, जिसमें पहला है A डायमेंशन और दूसरा है E डायमेंशन। सबसे पहले बात करेंगे हम A डायमेंशन के बारे में। तो A डायमेंशन कहाँ पर होता है आइए समझते हैं। A डायमेंशन होता है SAB के बैरल और कंट्रोल रॉड हेड दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं A डायमेंशन। SAB का माप तब लिया जाता है जब गाड़ी पूरी तरह से रिलीज अवस्था में हो। SAB का A डायमेंशन कोचिंग के लिए अलग और वैगन के लिए अलग होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कोचिंग के बारे में। तो कोचिंग का A डायमेंशन होता है 16+2-0, जो होगा 13 टन एक्सल लोड के लिए। यदि एक्सल लोड 16 टन हो जाए तो A डायमेंशन 22+2-0 रखा जाता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम वेगन में दिए जाने वाले A डायमेंशन के बारे में। तो वेगन में जो A डायमेंशन दिए जाते हैं वह है 70+2-0। यह सभी वेगन के लिए है लेकिन एक वेगन होता है हुपर वेगन, जिसमें BOB RN आता है, इसका डायमेंशन अलग होता है। BOB RN हुपर वेगन का जो A डायमेंशन होता है वह होता है 27+2-0। A डायमेंशन का एक वेगन में क्या काम है आइए समझते हैं। तो A डायमेंशन का काम होता है कि ब्रेक ब्लॉक और व्हील के जो बीच का डिस्टेंस है, बीच का गैप है, उसे एडजस्ट करने का काम करता है, वह करता है A डायमेंशन। डायमेंशन एक बार सेट करने के बाद इसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होता। ब्रेक ब्लॉक या चक्का के घिसने के कारण शुरुआत में इसे एक बार सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की डायमेंशन की, जो है ई डायमेंशन। ई डायमेंशन कहाँ पर होता है आइए समझते हैं। SAB की प्रोटेक्शन ट्यूब
और स्पिंडल रॉड में जो वी ग्रूव बना होता है या फिर सर्कुलर उसमें गोल ग्रूव बना होता है वहाँ तक की बीच की दूरी कहलाती है ई डायमेंशन। इसे तब मापते हैं जब ब्रेक पूरी तरह से रिलीज कंडीशन में हो। ई डायमेंशन भी कोचिंग के लिए अलग और गुड्स वेगन के लिए अलग होता है। तो कोचिंग के लिए यह होता है 375 प्लस 25 और माइनस 0, जबकि गुड्स के लिए या फिर वेगन के लिए यह होता है 555 प्लस 20 माइनस 0। लेकिन एक वेगन होता है BCN HL करके, उसका जो डायमेंशन होता है वह होता है 560 प्लस 25 माइनस 0। इस प्रकार वेगन और कोच का ई डायमेंशन होता है। ई डायमेंशन का काम क्या है आइए समझते हैं। तो एप्लीकेशन के दौरान या फिर ब्रेक रिलीजिंग के दौरान कई रिंगिंग पार्ट्स काम करते हैं, जैसे कि बुश, ब्रेक गियर पिन, बल्ब कटर या फिर कॉटर। इन सभी के घिसने के कारण कुछ डिफरेंस जरूर आता है, तो इन सभी को एडजस्ट करने का काम करता है वह है ई डायमेंशन। ई डायमेंशन घटते बढ़ते कब है आइए समझते हैं। जब ब्रेक ब्लॉक, व्हील या फिर ब्रेक गियर पिन या बुश ये सभी नए होते हैं तो ई डायमेंशन होते जाता है। लेकिन जब ब्रेक ब्लॉक पुराना हो, व्हील पुराना हो, उसमें जो ब्रेक गियर पिन है, बुश है, वो सभी पुराने हों उस समय ई डायमेंशन वह घट जाता है। इस प्रकार मुझे लगता है कि आप लोग ACB के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और रेलवे संबंधित ऐसे ही जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।